हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों को बताने वाले कि आप लोग जो इस स्वतंत्रता दिवस का बैनर है कैसे आप लोग एडिट कर सकते हैं, वो भी मिनटों के अंदर ही। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो शुरू से अंत तक, और आपको बताने वाले हैं कि आप बिना कहीं चाहे हुए मिनटों के अंदर ही आप अपने बैनर को तैयार कर सकते हैं, वो भी अपने फोटो के साथ ही एक ही क्लिक में। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो शुरू से अंत तक। सो फाइनल फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए, मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर ऊपर साइड आपको टाइप करना है 26 जनवरी बैनर बैकग्राउंड। तो फाइनल फ्रेंड्स, इतना सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, इसको आप लिखने के बाद आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे ऊपर साइड आपको यहाँ पे इमेज वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारा यहाँ पे बैनर खुल के आ चुका है। अब आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, वो बैनर यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें। चलिए, मैं ये वाला डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, थोड़ा वेट कर लें फ्रेंड्स, ताकि आपका जो है यहाँ पे बैनर फुल क्वालिटी में खोल के आ जाए। आने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, उसी बैनर उसी इमेज पे आपको दबाए रखना है करीब एक सेकंड में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको देखेगा यहाँ पे इमेज डाउनलोड, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फाइनली फ्रेंड्स, आपका इमेज जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देखिए हमारा यहाँ पे हो चुका है, वो आप भी ऐसे कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप तरफ। फ्रेंड्स, हमको आ जाना है दोबारा से, हमको यहाँ पर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। आप अपने पिक्सआर्ट को खोल लेंगे। चलिए, मैंने खोल लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ नीचे साइड आपको एक प्लस वाला आइकन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, तो यहाँ पे ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा एडिट ए फोटोज, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वहाँ से आपने इमेज को डाउनलोड किया था, उस इमेज को यहाँ पे आप ले लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही इमेज यहाँ पे ले लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड आपको देखिए, इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक दिखेगा यहाँ पे एड फोटो, सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना फोटो यहाँ पे ले लेंगे। चलिए, मैं अपना फोटो ले लेता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप अपना इमेज लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखेगा एक नीचे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रिमूव बीजी, यानी आपको आप बैकग्राउंड यहाँ पे आपको रिमूव करना है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। चलो, मैं कर देता हूँ क्लिक। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे इतना क्या है आपको यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, सिंपली इसको क्लिक कर देना है। फाइनली फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे बैकग्राउंड कट के आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आप अपनी इमेज को यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। चलिए, मैं कर लेता हूँ सेट, इतने में हमारा फिट आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जो ये हमारा अदर बैकग्राउंड है, अदर हमारा इमेज है, हमको इसको कर देना है क्रॉप, यानी हमको इसको इरेज कर देना है। इरेज करने के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ ऊपर साइड आपको एक रबर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए, मैं देख सकते हैं मैंने कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको अपने फोटो को यहाँ से जूम करके धीरे धीरे यहाँ पे इरेज करना, आप अपने हिसाब से जितना धीमा हो सके उतना धीमा यहाँ पे आप कर लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा भी यहाँ पे छूट चुका है फ्रेंड्स, जितने हमको इसको जूम किया, उसके बाद मैंने फिर धीरे बारह चढ़ाया। पर फ्रेंड, इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप ऊपर साइड यहाँ पे सही वाले निशान पे यहाँ ऊपर साइड यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, सिंपली इस पर क्लिक किया। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको इसमें शेडो डालना है, तो शेडो डालने के लिए फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक दिखाएगा शेडो वाला ऑप्शन, सिंपली फ्रेंड्स आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ जो ब्लर वाला, इसको आपको थोड़ा करीब 62 ऐसे करीब 61-62 आप रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ओपेसिटी को यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे 67 करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आ जाना है यहाँ पे पोजीशन हमको कैसे रखनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको भाई मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ,
आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा जो है देख सकते हैं 60 का है, इसको -1 है, तो इसको ऐसे रहने दें। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे एडजस्ट पे आएंगे, देखते हैं फिर से हमको इसको अपने हिसाब से फिर से हमको इसको एडजस्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स, फाइनली फ्रेंड्स इतना हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे सही वाले निशान पर फिर से हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिंपल मैंने कर दिया क्लिक, तो फ्रेंड्स हमारा इतना फाइनल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमको यहाँ पे अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें अपनी जो है सोशल मीडिया आईडी डालनी है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पे बैनर हमारा जो है पूरा बैनर हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे सही के निशान पर टिक करके आप लोग इसको सही के निशान पर क्लिक करके आप लोग, उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पे, आप लोग सीधा यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा जो है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं हमारा फ्रेंड्स, ये गैलरी में हमारा जो है फाइनली हमारा बैनर बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे बैनर क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी थी, प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको हमारा जय हिंद जय भारत।